तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ टी बाय बी एम ए सैमसी ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इस ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए। क्योंकि बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर राइट एंड शॉर्ट नोट पे भी कुछ आप बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे आए कुछ पेपर्स को एनालिसिस करके, ठीक है, आपके सिलेबस को एनालिसिस करके यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, ताकि वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी ये डेफिनेटली आना ही चाहिए और आ भी सकते हैं, क्योंकि इसके चांसेस मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया, सिलेबस को एनालिसिस किया, तो उस बेसिस पे ये मेरी जो प्रोबेबिलिटीज है वो 95% टू 98% तक का चांसेस है कि ये एग्जाम में डेफिनेटली आ ही सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो जिन बच्चों ने अभी तक राइट एंड शॉर्ट नोट याद नहीं किया हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं कि जो बच्चे ने रिविजन नहीं किया है, रिविजन करने के लिए उनको कुछ हेल्प की जरूरत है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने बनाया हुआ है वीडियो, ठीक है, 2019 से लेके 2023 के फोर पेपर सोल्यूशन मैंने पूरे कम्प्लीटली सोल्यूशन बना दिए हैं, फुल कोर्सेज भी बना दिया हुआ है आपका, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए अपने एग्जाम के टाइम पे, राइट। और आज जो हम देख रहे हैं वो राइट एंड शॉर्ट नोट है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट होगा, ठीक है। और मार्केटिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बना दिए, जैसे कि ब्रांड मैनेजमेंट, नेशनल मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट या अदर जितने भी आपके सिलेबस है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फाइनेंस और एचआर के बच्चों के लिए भी जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए आज का जो अपना वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए। फर्स्ट यहाँ पे सकते हो कि फिजिबल रीजन सोल्यूशन इन एलपीपी ग्राफिकल मेथड यहाँ पे दिया गया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिजिबल रीजन, जैसे आपको मालूम है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें फिजिबल रीजन देखते हैं, तो फिजिबल रीजन आपका थ्री वे से बनता है, ओरिजिन साइड होता है, दूसरा नॉन ओरिजिन साइड होता है, और एक मिडल में होता है, राइट ना। लेकिन फिजिबल रीजन है क्या एग्जैक्टली, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ जब आप एक्सप्लेन करें तो आप ग्राफ बना के एक्सप्लेन करो। देखिए एक छोटा सा ग्राफ बनाइए अपने आंसर शीट के अंदर प्रॉपर स्केलिंग से, ठीक है, और इतना अच्छे से प्रेजेंट कीजिए कि आपको एटलीस्ट 5 में से कुछ नहीं तो 4 मार्क्स तो या 3 मार्क्स मिल जाना चाहिए। देखिए बच्चे यहाँ पे एटी केटी या रिवॉल्यूशन लेके घूमते हैं ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर। अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है, और थियोरी में अगर आपने कुछ निकाल दिया, समझो एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स भी निकाल लिया, तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो 9 मार्क्स यहाँ पे ऐसे ही हो गए आपके पास, ठीक है। तो 24 मार्क्स का सीधा आपका निकलता है, ठीक है, और आपको चाहिए कितना, 30 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ कितना, 75 पासिंग होने के लिए, क्योंकि इंटरनल में आपने 10 से ज्यादा कवर कर लिया होगा, 25 में से 10 पासिंग मार्क है इंटरनल का, तो 75 में से 30 चाहिए, तो आपका 24 यहीं पे होता है अगर आपने ऑब्जेक्टिव में 15 में से 15 निकाला है। मैं तो हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 15 मार्क्स आपका अगर कहीं नहीं गया तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपको अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं ऑपरेशनल रिसर्च में। जिन बच्चों को लगता है कि उनको केटी लगेगा ऑपरेशनल रिसर्च में या उनका नहीं हो पा रहा है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का निकाल दिया तो आपको 30 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मतलब जहां पे आप सोच रहे थे आप पास होने के वादे है, वहीं पे आपका अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो ऑपरेशनल रिसर्च में। देखिए ऑब्जेक्टिव कर लो 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स के लिए ये जो थियोरी बता रहा हूँ इसमें 9 मार्क्स तो एटलीस्ट निकाल ही लो, 9 नहीं तो 8 मार्क्स भी निकाल लिया बहुत होता है, इनफ होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देखो कैसे तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो फॉलो करो, ठीक है। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पे फोकस को जितना पेपर है सबका ऑब्जेक्टिव याद कर लो। देखिए सबके ऑब्जेक्टिव मैंने लिंक कर दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर के पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करो फिर टेक्स्टबुक पे आओ, देखिए क्योंकि पेपर्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव करो, पेपर्स के भी करो टेक्स्टबुक के भी करो, लेकिन ये जो राइट एंड शॉर्ट नोट है ये भी करो, ठीक है। अपना एक क्राइटेरिया बनाओ, इतना मार्क्स मुझे यहाँ से निकाल लेना है, तो देखो आप पास क्यों नहीं होते हो, पास क्या आपका अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आएगा ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको फिजिबल रीजंस निकालना है, यहाँ पे फिजिबल रीजंस, ठीक है, ये बताना है। सेकेंड है बेसिस एंड नॉन बेसिस वेरिएबल इन द सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। बेसिस अपना जो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके फंक्शंस मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर यूज होता है, जैसे कि x1 x2 ये सब क्या यूजफुल है इसके अंदर। और नॉन बेसिस वेरिएबल में आपके स्लैक वेरिएबल आ जाते हैं, तो स्लैक वेरिएबल है क्या एग्जैक्ट उसको एक्सप्लेन करो, वेरिएबल है क्या, प्रोडक्ट वेरिएबल है क्या, डिस्टेंस वेरिएबल है क्या उसको एक्सप्लेन करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स निकल जाएगा 3 टाइम एस्टीमेटेड इन द पर, 3 टाइम एस्टीमेटेड पर क्या है बेसिकली,
जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक हो गया, ठीक है, पेस्टिमिस्टिक हो गया, मोस्ट लाइकली हो गया, ये तीन पार्ट को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि यहाँ पे थ्री पूछा है, तो ये तीन पार्ट को एक्सप्लेन कर दो तो आपके यहाँ पे मार्क्स निकल जाएंगे, और उसके कुछ फॉर्मूलास लिख दो बस, ठीक है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए थ्योरी में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे फटाफट उसको चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। क्या है प्रोजेक्ट क्रैशिंग? कब होता है? जब तीन एक्टिविटीज या दो एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ होती है वो दूसरे से जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है, क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल पाथ, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? क्रैशिंग हो जाता है। जब क्रैशिंग होता है तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या इम्पैक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इच ने पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे आपके मार्क्स भी निकल जाएंगे। 5 मार्क्स का है ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ऐसा लिखो 2 पेज तो जाना चाहिए, दो नहीं तो 1.5 पेज लिखो, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। अरे कुछ नहीं तो आपको 2 या 2.5 भी मिला तो भी इनफ है, राइट, समझ लो आप। लेकिन अपने को 3 मार्क्स निकालना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्रिटिकल पाथ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जैक्ट क्या वो क्या मेन रखता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ हम क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है और जाके फिर वेस्ट में राइट साइड में ये एंड हो जाता है, तो इसका जो मेथड है ये कैसे होता है, जिगजैग वे में होता है, और क्या सेटिस्फाई करता है, डिमांड एंड सप्लाई को सेटिस्फाई करता है, इसके मतलब ईच एंड एवरी पार्ट एलोकेशन के अकॉर्डिंग ये चलता है, तो उसको एक्सप्लेन यहाँ पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ द ऑपरेशनल टेक्निक्स, क्या लिमिटेशन है ऑपरेशनल टेक्निक्स के, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही मिल जाएगा, पूरा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, और जो कि सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है, आपके टेक्स्टबुक में भी इसको सोल्यूशन के साथ ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें इंटरफेयरिंग फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, और आपका फोर्थ वाला फ्लोट है जो है, देखिए वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट क्या है, इंडिपेंडेंट या इंटर हाँ इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, तो ये सब पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द फॉर्मूला से, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। देखिए इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करो कि है क्या एग्जैक्ट, जैसे कि टोटल फ्लोट है इसमें क्या होता है, LJ माइनस EI माइनस TIJ, ठीक है, तो LJ क्या है आपका, तो LJ है अपना लेटेस्ट फिनिश टाइम, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश टाइम द एंड द अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, एंड देन माइनस कर सकते हैं उसमें से हाँ टाइम को, एक्चुअल टाइम को, तो अपने को टोटल फ्लोट मिल जाएगा, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन मीनिंग फॉर्मूलाज है, तो उसको फॉलो करो, स्टेप बनाओ, देखिए हमें आंसर किस लिखना है, तो डेफिनेशन लिखो, फिर इसके फीचर्स लिखो, या कुछ लिमिटेशन दिया गया है वो लिखो, देखिए या उसके कुछ अलग स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वो लिखो, फिर फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मूला को एक्सप्लेन करो, ऐसे एक्सप्लेन करके आप अपना 1.5 पेज को आराम से फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9th क्वेश्चन, डमी एक्टिविटीज एंड इट्स यूज इन द नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस में डमी एक्टिविटी किस तरीके से यूज करते हैं, देखो डमी एक्टिविटीज आती है तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन करके यूज करते हैं, तो वो एप्सिलॉन है क्या उसको एक्सप्लेन करो, डमी एक्टिविटी पहले तो एक्सप्लेन करो कि डमी एक्टिविटीज है क्या, यहाँ पे डमी एक्टिविटीज का इम्पैक्ट क्या दिखाई देता है नेटवर्क एनालिसिस में, नेटवर्क एनालिसिस किस तरीके से बन सकता है, ठीक है, और ये भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है आपको तो कोई बात नहीं, आप मेरे इस चैनल पे आइए, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है आपको, ये वहां से आप आंसर देखिए और अच्छे से आंसर देखिए, उसको रीड कीजिए, समझिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, मैंने इजी वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको हर एक बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए और वो खुद से ओन आंसर भी बना सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रट्टा फाई करके ही जाना है एग्जाम्स में, आप ओन आंसर बना के भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशंस इन द जॉब सिक्वेंसी, ठीक है, अजम्पशंस इन द जॉब सिक्वेंसी है क्या वो बताओ, पहले तो ये बताओ कि जॉब सिक्वेंसी है क्या, ठीक है, जॉब सिक्वेंसेस हम करते हैं क्या, इससे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी आज जॉब सिक्वेंसी में आपका 2 मशीन 3 मशीन आता है, तो 2 मशीन के बारे में लिखो, 3 मशीन के बारे में एक्सप्लेन करो। देखो ये कब करना है आपको, जब आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन ऐसे अटेंड कीजिए जहां पे आपको डेफिनेटली मार्क्स मिले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अटेंड नहीं कीजिए कि आप खुद श्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी कैसा है पेपर स्किप नहीं करना है आपको, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, लिखिए, बस लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्या कहते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ बच्चे लिखते ही नहीं है और वो चाहते कि उनको 30 मार्क्स मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, फिर भी जो चेकर्स होते हैं एग्जामिनेशन चेकर जो पेपर चेक करते हैं वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्लियर कर दे, कोई टीचर कोई चेकर ये नहीं चाहता कि बच्चे का लाइफ बर्बाद हो, 1 साल बर्बाद हो या उनका एडीकेडी या रिवेल्यूशन में कुछ पैसे जाए, ठीक है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि मेन जो कोशिश है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने सही से पेपर नहीं लिखा है तो आपको कम मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है, आप भले कितना भी कुछ भी कर लो, तो इसीलिए आप बस पेपर लिखो, क्वेश्चन लिखो, पेपर लिखो, सॉल्व करो उसको,
एटलीस्ट सामने वाला आपको कुछ तो मार्क्स दे, ठीक है, कभी कभी एक दो मार्क्स से भी दे जाता है, तो इसलिए आप इतना लिखिए कि आपको एक दो मार्क्स के लिए भी ना रुकना पड़े, राइट ना। वो इम्पोर्टेंट है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश करो, फालतू में क्यों रिवैल्यूशन और एडी गेडी का पैसा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स, ठीक है, ये भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स होता है क्या है, ठीक है, तो ये से भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपका थियरी ऑफ गेम से मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स। नेक्स्ट है डीजेनरेसी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक होता है नॉन डीजेनरेसी, एक होता है जेनरेसिस, ठीक है, तो नॉन डीजेनरेसिस भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो और यहाँ पे डीजेनरेसी भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे अजम्पशंस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अजम्पशन भी याद कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर, अजम्पशंस ऑफ द एलपीपी यहाँ पे देख सकते हो, ये तो ये भी आप बाहर कीजिए। फिर नेक्स्ट है 14th वन, अच्छा यहाँ पे 14th आएगा, तो 14th वन यहाँ पे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ थियरी ऑफ गेम, ब्रीफली डिस्कस द टर्म्स प्लेयर्स एंड पे ऑफ, और उसके बाद फिर 15th यहाँ पे दिया हुआ है आपको रेडुएंट कंटेंट एंड द इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब आपके एलपीपी के यहाँ। फिर नेक्स्ट है डिस्कस एनी 5 एरिया वेयर द टेक्निक्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च कैन बी अप्लाइड, ठीक है, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं और राइट एंड शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। इसके बाद आपका तो जो 16 आता है वो ये हो गया, और 17 पे आपको दिया हुआ है एलसीएम लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है अपने पास, वो भी यहाँ पे आप याद कर सकते हो, ये हो गया आपकी 17। 18 पे आप यहाँ पे ले सकते हो, 18 पे क्या आएगा यहाँ पे आपका कि आप वैम के बारे में याद कर सकते हो, यहाँ पे वैम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वैम क्या है, यहाँ पे वैम हो गया या मोदी मेथड हो गया, ये सब भी पूछे जाते हैं, हाँ ठीक है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते लेकिन इस पे ये आ ही जाता है, जो कि जो कॉन्सेप्ट है वो हम करते हैं वो सीखते हैं हम, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है मोदी मेथड के बारे में, जैसे बताया अभी एप्सिलॉन हो गया जो कि डमी के टाइम पे अपने को यूज करना होता है। फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो 19 क्वेश्चन आपके पास है वो आपके प्रोजेक्ट क्रैशिंग से आ सकता है, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो वो सब भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। प्रोजेक्ट क्रैशिंग्स में आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या आता है, प्रोजेक्ट क्रैशिंग के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो क्रैश कैसे होता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। फिर आपका पार्ट के अंदर प्रोजेक्ट वैल्यूएशन जो टेक्निक्स है उसका डेफिनेशन यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके फीचर पूछ सकते हैं, याद रखिए, ठीक है, पार्ट में आपका क्या आ सकता है, फीचर्स, फीचर्स भी पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है, असाइनमेंट एक क्वेश्चन से यहाँ पे जो चैप्टर्स है आपके पास पूरा असाइनमेंट जो आपके पास प्रॉब्लम है, चैप्टर का नाम क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, इसका आपको आ सकता है क्या वर्सेस में, यानी कि डिस्टिंग्यूश आप ये भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सब भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये सब आपके 5 मार्क्स के लिए यानी कि राइट एंड शॉर्ट नोट में आ ही सकते हैं। तो वैम क्या है एग्जैक्ट वो आपको बताना है यहाँ पे, आपको पार्ट का फीचर्स बताना है और असाइनमेंट बसेस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस है आपके लिए, और ये डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, एटलीस्ट 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, आते कितने, 5 आउट ऑफ 5 यू हैव टू बी अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन, तो दैट इज मीन्स कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन याद कर लिया तो गारंटी है कि इसमें से आने ही आने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ये एनालिसिस किया है मैंने पेपर्स को और सब्जेक्ट्स को, तो ये मुझे लगे कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए थियरी में कभी भी आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, तो जो अपना प्रोसीजर है जैसा मैंने स्ट्रेटेजी समझाया कि एटलीस्ट आपको कितने मार्क्स निकालने हैं, 9 मार्क्स निकालने हैं, अगर इसमें से आपको 9 मार्क्स निकल जाता है आउट ऑफ 15 या 8 भी निकलता है यहाँ पे लास्ट से लास्ट, तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। देखिए 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव निकालो प्लस 8 मार्क्स का ये निकालो तो आपके पास हो गया, आपको 30 मार्क्स चाहिए तो दैट इज में आपका ये पूरा हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो इसको आप यूज कीजिए, आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है पेपर्स के लिए, और जो फाइनेंस के बच्चे हैं उनके लिए जल्दी में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ। आप क्या क्या कर सकते हो, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहे, ठीक है, बने रहिए चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।